morning. To complete their Delhi check-in in advance and carry e-boarding cards with them. Check-in facility shall be available from 48 hours prior to departure. उसे देखो, हटा दिया पूरा। अच्छा तू आ जा, तू आ जा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पप्पू को तंग तो नहीं करेगा? तंग ना करियो पप्पू को, भैया के जैसे रही हो, भैया से भी बहुत प्यार से रही हो। ठीक है मिस्टू, अब तुझे प्यार से रहेगा तू? हाँ प्यार से रहेगा, पप्पू को तंग भी नहीं करेगा। प्रॉमिस कर, प्रॉमिस कर, प्रॉमिस, प्रॉमिस कर दी मेरी छोना। पप्पू मिष्टी प्रॉमिस कर दी। क्या प्रॉमिस की है? कि आपको तंग नहीं करेगी। मिष्टी तो अब स्कूल जा रही है, जैसे तुम जा रही हो तो मिष्टी को ट्रेनिंग चालू करेगी। हाँ अब तो पप्पू से बचाने वाला भी कोई नहीं है, अब तो बेटा की ट्रेनिंग होगी। क्या ऑर्डर कर रहे हो? पराठा। आज संडे है तो, और प्लस मैं जा रही हूँ तो कमल वाज लाइक आज तो ब्रेकफास्ट डेफिनेटली बाहर से ऑर्डर करना। पिछले संडे भी किया था ना हमने, संडे को अब हो ही रहा है और मुझे निकलना है कुछ 1.5 घंटे के अंदर, सो वी डोंट रियली हैव टाइम इतना कुछ करने के लिए, तो सोचा ब्रेकफास्ट आराम से ऑर्डर कर लेते हैं। एंड वी आर ऑर्डरिंग पराठा। किस चीज़ के पराठे? पैकिंग चल रही है मेरी साथ साथ, मैंने काफ़ी काम की चीज़ें रखी हैं जो मुझे लगता है कि जिससे मेरा थोड़ा बहुत दिन निकल जाएंगे वहाँ पे। जो आपने कुर्तियों वाला हॉल देखा, वो कुर्तियाँ वुर्तियाँ मैंने रख ली है वहाँ पे पहनने के लिए, बिकॉज या दे वेरी कम्फर्टेबल। माय मेकअप, सम फुटवेयर, जीन्स, दैट्स इट। मिस्टू क्या देख लाए तू? अट्टू बेबी, देख मिष्टी प्यार नहीं करने देती तू एटम को, वेरी बैड। अट्टू मम्मा जा रही है, बाबा मम्मा जा रही है। क्या है, क्या है? गुड मॉर्निंग गाइस, आई जस्ट गॉट फ्रेशन अप। हाँ जी, और ये मिष्टी आ गई है। जैसे ही देखती है ना कि कैमरा ऑन हुआ है, मम्मी किसी से बात कर रही, तभी की तभी आ जाती है। एनीवे ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था, वो नीचे आ गया है तो कमल लेने के लिए गया है, बिकॉज हमारी बिल्डिंग में किसी का ऊपर आना अलाउड नहीं है, तो वी हैव टू गो डाउन अगर कोई भी पार्सल वगैरह आता है तो इसको ऑन देयर एंड देन वी हैव ब्रेकफास्ट एंड देन मैं आराम से आपको बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। Guys, I'm all set to leave. We're just trying to book a cab and I'm very 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 scared as always. आप लोगों को पता है, I just hope I don't panic. मास्क की जहाँ तक बात रही, मैं वो नॉर्मल कॉटन मास्क नहीं पहन के जा रही हूँ, लोग लाइक वो फैशनेबल वाला, बिकॉज उसके अंदर वो जो नोज के ऊपर यहाँ पे एक वायर टाइप की चीज़ होती है ना दबाने के लिए, वो नहीं है। सो नीचे तक के लिए मैं चला लेती कि चलो ठीक है ज़रा सा नीचे तक ही गई हूँ तो पहन लो वही वाला, लेकिन फॉर माई ट्रैवल आई हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस। सो इफ़ इन केस एनी ऑफ यू आर ट्रैवलिंग, डू नॉट गो फॉर दोज नॉर्मल वाला मास्क जस्ट फॉर फैशन, गो फॉर द यहाँ से पूरा जो दब जाता है वो यहाँ पे वायर होती है ना, वो इसीलिए होती है सो दैट यहाँ पे भी आपको कोई वायरस को कोई जगह ना मिले अंदर जाने की, सो यू हैव टू प्रेस इट ऑन योर नोज। सो एनी वे जस्ट वेयरिंग बहुत ही सिंपल, कमल बोल रहा है कि पूरे कपड़े पहन के जाओ एकदम, स्लीव्स वगैरह ऊपर भी नहीं करो। एंड वी ट्राइंग टू डू द बेस्ट, जो हमें लगता है कि यार पूरा ऐसे कवर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि एयरपोर्ट पे हमें पीपी किट मिल जाए, बिकॉज आई हैव नो क्लू क्या सीन है। एंड मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ बिकॉज काफ़ी सारे रूल्स चेंज हो रखे हैं, दैट यू हैव टू हैव योर वेब चेक इन, आपको एक कोई तो डिक्लेरेशन फॉर्म, एक कोविड 19 फॉर्म, सब कुछ भरना था। सो येस्टरडे वी वर सिटिंग एंड डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स,
तो आई जस्ट होप कि कुछ रह ना गया हो. तो इवन अगर कुछ रह गया हो तो I really wanted to have enough time on my hand, like spare time on my hands, so that अगर कुछ रह भी गया हो तो वो अगर मुझे बताएं कि ये नहीं किया है तो I have enough time to do all those things also. But वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जा रही हूँ. So now yeah, he's just booking the cab. जैसे ही कैब आ जाएगी फिर मैं नीचे के लिए उतरूंगी. तो मम्मा जा रही है. जा रही है मम्मा, जा रही है मम्मा. पापा को तंग मत करियो प्लीज. पापा को तंग मत करियो बाबू प्लीज. ठीक है खाना खा लियो मेरा छोना. आ जाओ तुम. अब तू मेरा छोना, मेरा बच्चा. अच्छा ठीक है. हाँ डन चलो. ठीक है बाय बाय आ बाय आ. फिर प्यार करो. क्या है क्या है बाय बाय. ठीक है चल बाय बाय. ठीक है चल बाय. बस वाह जान दो. बाय मिस्टू. ओके गाइज आई हैव ऑलरेडी रीच्ड हैदराबाद. मैंने बीच की स्टोरी अभी के लिए काट दी है बट आई हैव टू टेक यू गाइज थोड़ा सा पीछे यहाँ से एंड आई हैव टू शेयर दिस एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग. सो सबसे पहले तो जो मैं शेयर करूँगी वो यही था कि एज यू गाइज नो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो कि मैं बहुत टाइम बाद घर से बाहर निकली थी. घर से बाहर निकलना लाइक एक दो बार निकली थी कुछ बगल में ही काम जाने के लिए बट एज एन लाइक पूरा एकदम बाहर मेन रोड्स पे निकलना और एयरपोर्ट जाना एंड ऑल दैट. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर. मैं इतने सालों से बॉम्बे में हूँ. इट वॉज सो वियर्ड टू सी कि भाई सारी सड़कें ना ऑलमोस्ट खाली पड़ी थी एंड कोई रश नहीं है कोई कुछ नहीं है. और एयरपोर्ट पर जब मैं पहुंची इतने कम लोग थे वो सब खाली था एकदम. बहुत ही कम लोग थे. उसके बाद मैं एयरपोर्ट में एंटर करी और अंदर भी वही सेम हाल था एकदम खाली. स्टाफ भी इनफैक्ट बहुत कम था. गाइड करने के लिए लोग डेफिनेटली थे लेकिन जितना स्टाफ यूजुअली होता था उससे बहुत कम था. काउंटर्स खाली पड़े हुए थे जैसे बैगेज वैगेज सब जहाँ पे आप देते हो तो बोर्डिंग पास लेते हो जहाँ पे वो सब वहाँ पे जैसे 10 का स्टाफ अगर होता था तो कोई एक ही जन था बिकॉज ऑब्वियसली देयर वर सो लेस पीपल फ्लाइंग. सो एयरपोर्ट अंदर से भी एकदम खाली पड़ा था. सबसे पहले जब मैं एंटर कर रही थी एयरपोर्ट के अंदर तो वहाँ पे उन्होंने सब कुछ चेक किया. तीन चीज़ें खासतौर पे यानी कि पहली थी कि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है कि नहीं है. तो उसमें उन्होंने बोला कि खोल के रखो आरोग्य सेतु ऐप. एंड देन उन्होंने जो पहले ही बोला था कि आपको वेब चेक इन करके आना है तो वेब चेक इन करने से ई बोर्डिंग पास हमें मिल गया था तो वो ई बोर्डिंग पास भी खोल के रखो एंड देन ऑब्वियसली योर आईडी प्रूफ. तो ये तीनों चीज़ें दिखाने के बाद हम लोग अंदर एंटर हुए. अंदर एंटर होने के बाद जहाँ पे जो मेन जहाँ पे चेक इन होता है जहाँ पे बैगेज वगैरह आप देते हो तो वहाँ पे हमने अपना ई बोर्डिंग पास दिखाना है और वहाँ पे से वो हमें नॉर्मल जो प्रिंट आउट होता है बोर्डिंग पास का वो दिया उन्होंने. सो देवर कपल ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच आई वुड लाइक टू मैंशन. लाइक जैसे यूजली होता है कि वो आप बोलते हैं आई डी प्रूफ दिखाओ तो दिल भी लाइक कि अच्छा पकड़ आपका आईडी प्रूफ आप दिखाओगे तो वो पकड़ लेंगे हाथ में राइट. बट दीज डेज दैट इज नॉट हैपनिंग. लाइक यू हैव टू शो योर आईडी प्रूफ लाइक दिस सो दे विल जस्ट सी. एंड इनफैक्ट एक जन ने तो मुझे कुछ ई बोर्डिंग पास देखना था स्टाफ ने तो उन्होंने मुझे बोला कि जरा जूम करो इसको बट दे वर नॉट टेकिंग द थिंग्स फ्रॉम यू. लाइक यूजली आप होता है ना अच्छा दिखाओ जरा ऐसे. सो इट वॉज नॉट लाइक दैट. सो दे वर टेलिंग यू टू शो इट फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड देन अगर उन्हें दिख नहीं रहा है तो वो जूम करने को भी आपको ही बोलेंगे. सो दैट वॉज वेरी गुड थिंग. और यूजली जब आप फ्लाई करते हो तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब
इम्प्लॉयज़ होते हैं, लाइक आपको कहीं पे बार कोड स्कैन करना है या बैगेज के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूजुअली स्टाफ होता है. सो बेसिकली स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कट किया हुआ था, और ज़्यादातर चीज़ें जैसे कि बार कोड स्कैन करना आपके बोर्डिंग पास का, ये सब चीज़ें भी आपको खुद ही करनी है वहाँ पे. देर इज़ नो स्टाफ मेम्बर, सो या यू हैड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर ओन. एंड देन मैं गई थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ था अभी फ्लाई करने के लिए. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कि मैं काफ़ी एडवांस में चली गई थी, तो मैं जो वहाँ पे लाउंज होता है तो उसमें बैठी, तो वो भी खाली था. वहाँ पे यूजुअली मील्स होती हैं, आप खा सकते हो कुछ भी, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ खास अरेंजमेंट्स नहीं थे. एंड बिफोर एंट्रिंग वहाँ पे आपका जो सारा सामान आपके पास है, कोई भी लगेज है, कोई भी हैंड बैग है, वो सबका सब यू नो सैनिटाइज कर रहे थे. तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ थी, पूरा एक उनके पास एक मशीन था, उससे पूरा सैनिटाइज कर रहे थे. एंड देन अनदर अमेजिंग थिंग वॉज कि जैसे जब आपकी अभी बोर्डिंग हुई नहीं होती है, लाइक स्टार्ट नहीं हुई होती है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग एट द गेट टू बोर्ड योर फ्लाइट, तो वहाँ पे क्या होता है, यूजली बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, राइट, वेट कर रहे हैं कि कब बोर्डिंग स्टार्ट होगी एंड वील गो इन टू द फ्लाइट. उसमें भी जो चेयर्स हैं, तो आप ये देख रहे हो जैसे एक चेयर पे आप बैठ सकते हो, एंड देन द नेक्स्ट चेयर पे यू कैन नॉट सिट. उन्होंने ऐसे इस तरीके से टेप लगाई हुई है कि यहाँ पे नोबडी कैन सिट. सो अगर 10 चेयर लगी हुई है लाइन से, तो 10 में 5 ही लोग बैठ सकते हैं. सो दैट देर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एवरीबडी. उसके बाद हम लोगों ने जब सब कुछ बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद हमें फाइनली जाना था फ्लाइट के अंदर. तो फ्लाइट के अंदर जाने से पहले वो बेसिकली क्या कर रहे थे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पीपी किट देंगे पूरी की पूरी, लाइक पूरा फुल बॉडी का किट देंगे, बट दे वर नॉट गिविंग दैट फुल किट टू एवरीबडी. सो वॉट दे वर डूइंग, पीपी किट सिर्फ उसको मिल रही थी जो सेंटर वाली सीट में बैठे होगा. लाइक यूजली फ्लाइट्स में 3 सीट और 3 सीट ऐसे होती है, और बीच में पैसेज होता है चलने के लिए, राइट. तो जो 3 सीट है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एंड देन हियर इज डी ई एफ, सो ए बी सी में बी वाला जो इंसान है सेंटर वाला, वो पीपी किट पहनेगा पूरी, और इधर डी ई एफ में ई वाला पहनेगा. सो द सेंटर पर्सन हैज टू बी इन द फुल पीपी किट, एंड बाकी के लोग दे डू नॉट हैव टू बी इन द फुल पीपी किट, बट वॉट दे हैव टू डू इज, वो जब एंटर कर रहे थे तो एंट्री पे ही आपको वो दे रहे थे, एक किट दे रहे थे जिसमें एक सैनिटाइजर की कुछ पाउचेस थे, देन देर वॉज अ मास्क, एंड देन देर वॉज अ फेस शील्ड. तो फेस शील्ड और मास्क मैंडेटरी, दैट यू हैव टू बी इन योर मास्क एंड योर फेस शील्ड ऑल द टाइम, यू कैन नॉट रिमूव इट. नॉट दैट आई ट्राइड रिमूविंग इट, ओ गॉड, मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था ना एक टाइम पे, तो ऐसे सांस ले, बट मैंने बिल्कुल नहीं हटाया एक सेकेंड के लिए भी. सो या, सो दिस वॉज द माहौल इन द फ्लाइट. एंड उसके बाद कुछ नहीं, बस जब आप बाहर निकलते हो, आप जब आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जब मैं हैदराबाद पहुंच गई, तो बाहर जाते हुए सबका एक बार और टेम्परेचर चेक कर रहे थे, आई थिंक नोट कर रहे होंगे, समथिंग लाइक दैट. तो एंड दैट्स इट, जाते हुए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको क्वारंटीन करना है या ये करना है या वो करना है. एंड दिस इज हाउ आई ट्रैवल्ड. इट वॉज अ वेरी वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस. इतना ध्यान रख के आई हैव ट्रैवल्ड एंड आई हैड टू ट्रैवल फॉर सम रीजन. एंड नाउ मेरा काम कल और परसों का है, जिसके लिए मुझे मेन आना पड़ा. बट कल और परसों, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं करूंगी. अब मैं कल परसों का काम निपटा के उसके अगले दिन से व्लॉग करना शुरू करूंगी, व्हेन माय लाइफ विल बी नॉर्मल. एंड आई डेफिनेटली डू नॉट वांट टू ट्रैवल एकदम से काम खत्म करके, बिकॉज अब मैं आई हूँ यहाँ, इतनी मेहनत करी है, रिस्क भी लिया है, तो अब मैं कुछ दिन यहाँ पे रह के जाऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी फैमिली है. जितने दिन भी मेरा मन लगा, 10 दिन 15 दिन 7 दिन, लेट्स सी, तो व्लॉग्स आएंगे, आते रहेंगे. आप लोगों से मैं मिलती रहूंगी, और आप लोगों को इस बार थोड़ा और ज़्यादा मिलवाऊंगी कंचन से, जहाँ पे मैं आती हूँ, उसकी बेटी से, बिकॉज मानविका इज ऑल्सो हियर. सो या, दिस वॉज द होल एक्सपीरियंस दैट आई वॉन्टेड टू शेयर. एंड या, मैं अभी फ्रेश वगैरह होके बैठी थी, मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग फिनिश करती हूँ और आप लोग को बता दूँ कि कैसा था मेरा एक्सपीरियंस. एंड या, दिस इज इट, एंड आई एम गोना बी सीइंग यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. जल्दी बनाऊंगी, अभी 2 दिन मैं बिजी हूँ, उसके बाद बनाऊंगी. लेकिन या, टिल देन, बाय बाय. Take care, guys.